क्लोज टू क्लास, वेलकम बैक यू अगेन इन माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम तीसरा सॉल्यूशन पढ़ रहे थे लिक्विड इन लिक्विड के बारे में। और जब लिक्विड इन लिक्विड की बात होती है तो इमल्सन बनता है, ठीक है। और हमने सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा कि वेपर प्रेशर होता क्या है, किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें पढ़ी। आपके लिए जो चीज जानना जरूरी है, सबसे पहले जो कुछ टॉपिक बीच में आपके लिए जानना जरूरी है, वो है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो जो इजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, नॉन वोलेटाइल जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, यानी जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वोलेटाइल की, तो कुछ एग्जांपल्स है, ये आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल में आपका बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आप वहां पे वर्ड में कंफ्यूज हो जाओगे वोलेटाइल कौन है और नॉन वोलेटाइल कौन सा है। वाटर जो है वोलेटाइल है, मिथेनॉल वोलेटाइल है, इथेनॉल वोलेटाइल है, बेंजीन वोलेटाइल है, C6H5CH3 वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल कौन कौन से, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब तीनों के तीन क्या है, नॉन वोलेटाइल। एक तो इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल के रख लेना जो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस आप करोगे, जितना थोड़ा सा क्रैमिंग भी साथ में जोड़ोगे, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर, ये ध्यान रखना। तो यहां पे अगर हम बात करें लिक्विड इन लिक्विड भी, यानी सोल्यूट भी लिक्विड होगा और सोलवेंट भी लिक्विड होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशन बनेंगे जब लिक्विड इन लिक्विड की बात करो। वन इज कंप्लीटली मिसिबल, एक पार्शली मिसिबल, एक इमिसिबल। कंप्लीटली मिसिबल जो पूरा घुल गए हैं, पार्टली मिसिबल थोड़ा सा घुले हैं, इमिसिबल जो घुलेगा नहीं, ऑयल इन वाटर इमिसिबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हम ये टॉपिक के अंदर जो बात करने जा रहे हैं वो है कंप्लीटली मिसिबल की, यानी इथेनॉल प्लस वाटर कंप्लीटली मिसिबल, ठीक है। तो हम इनके बारे में बात करने चाह रहे हैं। अब एक चीज और जाननी जरूरी है, वेपर्स क्या होते हैं और गैस क्या होती है। जो वेपर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर से अबव एग्जिस्ट करते हैं। जब रूम टेम्परेचर से ऊपर तापमान जाएगा, टेम्परेचर जाएगा, तब वेपर्स बनेंगे, ठीक है। और जो गैस है वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, ओके। तो एक साइंटिस्ट आए रोल्स, उन्होंने इन्हीं चीजों का यूज करके एक लॉ बनाया जिसको रोल्स लॉ कहा गया। इन्होंने दो मतलब बाइनरी सॉल्यूशन लिया, ए और बी, ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट, वही चीज यूज कर रहे हैं हम यहां पे, ठीक है। इट स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, सॉल्यूशन किसका है, वोलेटाइल लिक्विड का, दोनों ही वोलेटाइल है ए और बी भी, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट की बात हो रही है तो कंपोनेंट मीन्स क्या हो गया, ए एंड बी, ठीक है, इन कंपोनेंट की बात हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक क्वेश्चन आपने कर भी लिया है कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन हेनरी एंड रोल्स, तो दोनों की सिमिलैरिटी क्या है, हेनरी ने भी यही कहा था जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन, और रोल्स ने भी यही कहा, ठीक है। तो रोल्स क्या कहता है, जो पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, पी ए इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और पी नोट क्या है, प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ये चीजें यूज होंगी न्यूमेरिकल्स में, ये मैंने मेरे लिए नहीं लिखी है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए लिखी है, क्योंकि आपको गिवन छाटना है, जब आपको गिवन ही नहीं पढ़ना आएगा न्यूमेरिकल कैसे कर लोगे, ये चीज ध्यान रखनी है। तो एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ये आप जानते हो। मान लो एक्स ए की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, एक्स ए इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये किया हुआ आप सभी ने, ठीक है। तो अगर मैं पी बी की बात करूं तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये भी किया हुआ डाल्टन से पढ़ के आए हो आप, ठीक है, प्लस वन के अंदर। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है, जो प्रेशर होगा टोटल प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके पार्शियल प्रेशर के सम होगा, ठीक है। जैसे पी टोटल किसके बराबर है, पी ए और पी बी, क्योंकि तो पार्शियल प्रेशर है तो उनका टोटल क्या हो गया, पी टोटल, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मैं वैल्यू यूज कर लूं इनकी, तो वैल्यू यूज करेंगे P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी, यहां तक समझ में आ गया ना सभी को। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी चीज का फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होगा, यानी जैसे यहां पे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, 1 मोल के बराबर होगा, फ्रैक्शन है भाई, 1 बाय 3 प्लस 3 बाय 4 कितना हो गया, फ्रैक्शन कितना आया, 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 फ्रैक्शन में हमारे पास एक्स ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस एक्स बी आ गए, इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो मेरे पास क्या आ गया, पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी, जुड़ी नहीं मैंने एक्स ए लिया तो आप एक्स बी भी ले सकते हो, ठीक है, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ये भी कर सकते हो। तो पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, इस ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद जो कॉमन फैक्टर था वो लिया, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई पी की, पी नोट ए माइनस एक्स बी, पी नोट ए माइनस पी नोट बी, किसमें आई, लिक्विड स्टेट,
इसकी बात चल रही है लिक्विड स्टेट, ठीक है। अगर बात करें वेपर स्टेट की, कि वेपर स्टेट में पार्शियल प्रेशर निकालना, एक्स तो यूज नहीं कर सकते हो तो लिक्विड में यूज किया, यहां क्या यूज करेंगे, वाई। ओके, तो वाई ए ये मोल फ्रैक्शन है, वाई ए पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, और वाई बी इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इनवेरिकल वैसे पूछेंगे नहीं आपसे, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले आपको पी टोटल कैलकुलेट करना है, पी टोटल कैलकुलेट करना, पी टोटल निकाल लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। बात समझ में आई आप, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट रोल रूल। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के साथ, आगे डिवाइड करेंगे। ओके okay?